गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो दिया था आपको, उस वीडियो में बच्चों को जोड़ और घटाने, गुणा, भाग आदि इस तरह के सवालों के बारे में हमने आपको बताया था। बहुत ही अच्छा ऐप है, 15-16 MB का होगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद डाटा बंद कर दीजिएगा। आपके बच्चे के लिए बहुत काम का ऐप है, एक से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए, यानी कि ये आपके बच्चों के लिए कम से कम 6 साल तक, 5 साल तक तो आप मान लीजिएगा, आपके बच्चों को मैथ में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो आप आसानी से इसे आप डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप इस ऐप को बच्चों को दे दीजिए ताकि वो पर्याप्त अभ्यास कर सकें। और हमने आपको बताया था कि इसमें इतने सारे फंक्शन हैं जिसको बच्चे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। और आपकी जो कंप्लेंट है कि हमें ट्यूटर टीचर नहीं मिल रहा है, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, घर में कोई जानता नहीं है, बच्चे कैसे सीखें, तो ये सारी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो पहले क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वीडियो को आपको प्ले स्टोर पर जा कर के मैथ गेम्स टाइप करना है और जिससे कि आपको आपका ऐप मिल जाएगा। इसका मैंने स्ट्रक्चर फेस आपको बताया है, देखिए ये रहा आपका फेस, 7+1, 8-2 इस तरह का एक फिगर बना हुआ है, ग्रीन और नीचे रेड स्ट्रिप बनी हुई है, रेड स्ट्रिप में प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन के चिन्ह बने हुए हैं। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, टाइप करना है मैथ गेम्स और इस तरह का सरफेस खुलेगा, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप हमारे साथ इसको प्ले कीजिएगा। पहले हमने इसको टच किया, टच करने पर इस तरह से हमारे पास सरफेस खुल के आएगा। पहचान है इसकी मैथ गेम्स लिखा हुआ है, आर वी एप स्टूडियोज वेलकम टू मैथ गेम्स। इसमें ग्रेड और टॉपिक दोनों ही पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे आपके बच्चे के हिसाब से आपको अपने, आपका बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी क्लास में है तो आप पहले ग्रेड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से लेकर 6 ग्रेड लिखे हुए हैं, अभी हमने 4 ग्रेड सेलेक्ट कर रखा है। हम थर्ड ग्रेड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और टॉपिक में क्या करना है, पहले आपको मैथ बताया था एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। पहले हम मैं एडिशन का आपको बता चुके हैं, एडिशन में आपको कैरी और विदाउट कैरी, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट और सिक्वेंशियल और लाइन, इस तरह के क्वेश्चन सारे दिखाए गए थे। अब क्या है, हम इस वीडियो में आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन ऑपरेट करने के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको सब्ट्रैक्शन भी बोरो और विदाउट बोरो, जैसे वहाँ पर कैरी होता है यहाँ पर बोरो वर्ड बोला जाता है, हासिल भी हम बोलते हैं, दहाई बोलते हैं हिंदी में। तो इसको देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रेड सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी ग्रेड हो, और जैसे कि आपने थर्ड ग्रेड सेलेक्ट कर रखा, अब आपने टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में इस तरह के ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, पहला है लाइन सब्ट्रैक्शन। लाइन सब्ट्रैक्शन भी बच्चों को, ये जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में बच्चों को समझाया जाता है। सिक्वेंशियल, ये भी फंक्शन हमने आपको बताया था मैथ में, उससे ही मिलता जुलता है। इसमें सिक्वेंस से पहले 1 घटाना, फिर 2 घटाना, फिर 3 घटाना, ऐसे 20-20 डिजिट के घटाने आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहले क्या करते हैं हम, लाइन सब्ट्रैक्शन एक बार आपको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आप सिक्वेंशियल सब्ट्रैक्शन देखिएगा। लाइन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम वही है जैसा कि आपने एडिशन में देखा था, इस तरह से आपको 5 में से 4 माइनस करना है। तो आप बता सकते हैं बच्चों को, अगर आप यहाँ पर लर्न वाला ऑप्शन जो आ रहा है आपके सामने, उसमें आपको देखिएगा किस तरह सब्ट्रैक्शन करके बताया भी गया है। एडिशन में यानी जोड़ में जो लाइन होती हैं वो ऊपर ऊपर हम उसका कर्व बनाते हैं, लेकिन क्या है सब्ट्रैक्शन में एक जो ऊपर की संख्या है उसका कर्व ऊपर बनेगा फॉरवर्ड आगे की दिशा में, और जो नीचे संख्या दी गई है उसका कर्व नीचे की ओर वापस बनेगा। तो हम लर्न करते हैं, देखिएगा पहले 5 लिखा था, तो आपने क्या किया 0 से 5, ये लाइन आपकी शो कर रही है कि आपने 0 से 5 तक डिजिट कर लिया। अब -4 करना है तो हमें रिवर्स आना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है 4 माइनस करना है। तो यहाँ पर 4 माइनस किए तो फिर 1, 2, 3 और 4, 4 बॉक्स रिटर्न करना है हमको। तो रिटर्न करने पर हम वापस कहाँ आ जाते हैं 1 पर, तो 5 माइनस 4, रिजल्ट आपका कितना आ गया 1। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके समझा भी दिया गया है, तो ये भी आपके लिए आसान है कि बच्चों को कैसे सिखाएं, कौन बताएगा, सही बताएगा, गलत बताएगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही होगा, आपके बच्चे की जो भी कन्फ्यूजन होगी वो भी दूर करने का इसमें चांस दिया गया है। अब हम आपको बैक लिए चलते हैं, क्वाइट का आएगा, क्वाइट ऑप्शन में यस करेंगे आप। अब यस करने के बाद हम यहाँ पर सिक्वेंशियल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। सिक्वेंशियल ऑप्शन में देखिएगा
आपके सामने एक आएगा टैप हेयर टू चेंज। टैप हेयर चेंज में मतलब आपको सब्ट्रैक्टिंग वन के क्वेश्चन लिखे हैं, सब्ट्रैक्टिंग वन। चलिए पहले सब्ट्रैक्टिंग वन ही चेक कर लेते हैं। वन से वन माइनस करना है, क्या आएगा आंसर? नीचे चार ऑप्शन लिखे हुए, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है, बच्चा खुद भी सिलेक्ट कर लेगा। वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो गया। तो सेकंड ऑप्शन डार्क में हो गया, डार्क लाइन में, ब्लैक में। अब करना क्या है, टू माइनस वन। तो नीचे जो आंसर लिखे हुए उनमें से आंसर बच्चों को सिलेक्ट करने हैं, और वो बच्चे आपके टच करके बता देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके बच्चों को पर्याप्त अवसर मिलता है क्वेश्चन हल करने का। ऑप्शन चेंज करना है, सब्ट्रैक्टिंग वन, सब्ट्रैक्टिंग टू। अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग टू, तो यहाँ पर क्या था, एडिशन में, जोड़ में वन के साथ सभी को प्लस करना होता था, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने टू सब्ट्रैक्टिंग किया तो टू से टू ही माइनस होगा, क्योंकि वन माइनस टू यहाँ पर नहीं आएगा। अगर वन माइनस टू आएगा तो बच्चे को एक्सप्लेनेशन में बहुत ही समस्या होगी, वो समझ नहीं पाएगा। अब आप यहाँ पर उसे बता सकते हैं कि टू माइनस टू, वन माइनस टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटा नहीं सकते। ऐसे ही देखिए अगला है आपका फोर वाला, तो वहाँ पर भी फोर से ही स्टार्ट होगा। फोर माइनस फोर हो सकता है, लेकिन थ्री माइनस फोर नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ थ्री माइनस फोर होता है वो नेक्स्ट क्लासेस में। यहाँ पर आप इंटीजर्स, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक पढ़ते हैं, वहाँ पर ये ऑप्शन सारे आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सिंपल बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, और वो भी सिक्वेंस में। तो फोर माइनस फोर ज़ीरो आ गया, फाइव माइनस फोर नेक्स्ट स्टेप वन आ गया। तो बच्चों को फाइव फोर सब्ट्रैक्ट करना, थ्री सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ तक कि 20 डिजिट तक, देख रहे हैं यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, तो 17 डिजिट तक आपको आराम सब्ट्रैक्शन करना यहाँ पे सिखाया जाएगा। 20 में से 3 आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और 17 ऑप्शन आपके सामने बचे हुए हैं। तो चलिए अब हम आपको ये सिक्वेंशियल वाला एक चीज़ और बता दें, लास्ट में से आपको बड़ा सा बता दें, 10 वाला। अब देखिए यहाँ पर भी वही स्टेप आ गया, 10 माइनस 10, 9 माइनस 10 नहीं होगा, 10 माइनस 10 होगा, इसका भी आंसर आपके सामने 0 आएगा। तो इस चीज़ को बच्चे समझ सकते हैं आसानी से। अब आपको करना क्या है, क्वाइट करना है, बैक किए, क्वाइट, क्वाइट में आपने जैसा ऑप्शन सेलेक्ट किया, अब आप फिर से वन डिजिट सिंपल सिलेक्शन, वही क्वेश्चन है जो सिक्वेंशियल वाले हैं। अब आप सिक्वेंशियल की अगर आप प्रैक्टिस बच्चों को अच्छे से करा देंगे तो बच्चे घटाना सीख जाएंगे, छोटे छोटे घटाना, और छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं। वन डिजिट माइनस वन डिजिट, ये रहा। अब रो वाइज, कॉलम वाइज, ये कॉलम में लिखा हुआ है, इसको आपने रो में करना है तो रो में आप चेंज कर दीजिए इसको। यहाँ से ये आपका रो वाइज एक पंक्ति में लिख के आ गया, तो वहाँ पे बच्चों को ये भी एक्सप्लेन करने की आसानी लगी। अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है तो बच्चों को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ऑफ फोर माइनस थ्री या फोर अपॉन थ्री, एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग हो गया है। और ये जो कंप्यूटर प्रिंटर जो बना हुआ है प्रिंटिंग ऑप्शन, इसका मतलब हमने आपको बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि अगर इसको आप घटाएंगे तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको, लेकिन आप इस तरह से ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं 9 स्क्वायर वाला, तो ये 6 स्क्वायर वाला, इसमें क्या है, कॉलम से एक एक स्टेप वाइज, एक कॉलम सॉल्व करना, फिर अगला कॉलम सॉल्व करना, फिर अगला कॉलम सॉल्व करना, यहाँ पर आप वन बाई वन करके रिजल्ट बता सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो कंप्यूटर टाइप पर जो बना होता है उसमें आपको डायरेक्ट आंसर ही सिलेक्ट करना होता है, थोड़ा सा कठिन स्टेप है। इससे यहाँ बच्चों का प्रैक्टिस और जो कैलकुलेशन बच्चों की स्ट्रॉन्ग हो जाती है उससे। फोर माइनस थ्री आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, वन ऑप्शन, क्लियर हो गया आपका। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे बच्चों को, हालांकि आपने अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक के सब्ट्रैक्शन बच्चों को ऑलरेडी प्रैक्टिस करा दी है, तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी आसानी से सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। 4 माइनस 2, 2 आ गया, आपको कुछ नहीं करना, अपने आप पेज पलट जाएगा, नया क्वेश्चन आ जाएगा। अगर बच्चों को दिक्कत आ रही है तो उसमें आप लर्न का ऑप्शन भी आता है, तो हम भी यहाँ से भी क्वेट करते हैं। ये भी आप फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन है आपका 2 से -1 डिजिट, 2 माइनस 1 डिजिट इट मीन्स विदाउट बोरो और बोरो, विदाउट बोरो और विद बोरो, आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। और इसमें इजी और मीडियम, इजी में 10 से 50 क्वेश्चन तक, 50 डिजिट तक, 51 से 99 डिजिट तक। अब आपने प्ले स्टार्ट किया, आप देखिए 13 माइनस 2, बताया था मैंने यहाँ पर कंप्यूटर प्रिंटर बना हुआ है, तो इस टाइप राइटर को हमने टच किया तो दूसरा ऑप्शन आ गया। अब इसमें आपको कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन करना है, तो फर्स्ट कॉलम यानी कि राइट साइड से स्टार्ट करते हैं हम, 3 माइनस 2 करना है आपको,
तो 3-2 के नीचे ही बॉक्स आपका बना हुआ है, आपने वहाँ घटा दिया, आपका आया -1 आ गया, और आपका जो बॉक्स है 1 स्टेप साइड में टर्न ले गया, 1 का 1, 13 - 2 11 आपका आंसर आ गया। देखिए 16 - 8 ये जो है आपका बोरो वाला क्वेश्चन है, दहाई वाला। यहाँ पर 6 से 8 अगर आप कॉलम कराएंगे, 6 में से 8 नहीं होगा, तो आप 1 में से आप यहाँ करेंगे तो आपका ये 1 चला गया, 1 में से 1 बोरो हो गया, यहाँ बचा आप 0, और इधर आपका आ गया 1 और 6, ये हो गया 16। 16 को एक ही स्टेप में लाना है, 16 - 8 आंसर आपका 8 आएगा, और यहाँ बचा 0, तो ये आपका हुआ 0 0 8। अभी सिंपल क्वेश्चन था, बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लर्न वाला ऑप्शन भी है, बच्चे खुद समझ सकते हैं इसको। यहाँ देखिएगा आप, जैसे आपको 3 से 8 माइनस करना है, तो आप बता सकते हैं कम संख्या में से ज़्यादा संख्या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है, तो क्या करना पड़ेगा, बोरो उधार लिया आपने, बोरो कहाँ से किया, 2 से, जब 2 से बोरो किया तो 2 के पास बचा 1, और 1 2 से चला गया, वो आ गया इधर आपका 1 और 1 2, यहाँ पे 1 3 के साथ एडजस्ट हो गया, 13 हो गया, 13 से 8 माइनस करना है, 13 से -8 किया आपने, आपका आंसर आ गया 5। अब इस स्टेप में आपको बॉक्स आगे बढ़ गया, यहाँ भी संख्या बची थी, वो आप लास्ट में बची हुई संख्या लिख देंगे, 15 आपका आंसर आ गया। तो समझ चुके होंगे बच्चे, यहाँ पर 1 से 1 डिजिट, 2 से 1 डिजिट, और नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 डिजिट भी है, यहाँ पर 2 - 1 डिजिट, 2 - 2 डिजिट, 3 - 2 डिजिट, 3 - 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। इजी मैथ, देखिए इजी मैथ में क्या है, चलिए पहले हम आपको 3 से 3 डिजिट बता देते हैं, 3 से 3 डिजिट, इसमें दोनों ही क्वेश्चन होंगे, बोरो और विदाउट बोरो। जब बोरो होगा तो बताया था हमने पिछले ऑप्शन में कि यहाँ पर बॉक्स है, अपने आप ही उस जगह पर पहुँच जाता है, कैरी करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको बोरो नहीं करना है, आप 6 से 3 डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, 6 - 3 3 आ गया, बॉक्स साइड में 1 प्लेस टर्न हो गया, 1 - 1 0 आ गया, 2 - 1 1 हो गया, देख सकते हैं आपकी कितना अच्छा फंक्शन है इसमें, सारे ही सिस्टम है, और बच्चे आसानी से अपने आप करते जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप बढ़ता चला जाएगा, क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एक स्टेप सॉल्व कर लेंगे तो अगली स्टेप आपकी आ जाएगी, 3 - 1 2, 3 - 1 2, 2 - 1 1। ये सभी सिंपल क्वेश्चन हैं, दोनों ही क्वेश्चन इसके 4 - 2 2, 3 - 1 2, 2 - 1 1। ये देखिए यहाँ पर आपका बोरो क्वेश्चन है, 4 - 8, सभी समझते हैं 4 से 8 सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, ये चीज़ आपको बच्चों को बतानी होगी, ये आप आसानी से बता भी सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल देकर के, किसी भी आर्टिकल को ले लेंगे, पैसे को लेकर के, भाई सबसे बढ़िया आर्टिकल रहता है पैसे, बच्चों को बता सकते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर 4 से 8 माइनस करना है, तो क्या करना है, 5 से बोरो करना है, तो 5 से बोरो हो जाएगा 1, 5 के पास बचेगा 4, और यहाँ कितना हो गया, 1 बोरो हो गया, 1 और 4 के साथ एडजस्ट हुआ तो हो गया 14, तो 14 - 8 यहाँ पे आपका 6 आएगा, बॉक्स अपने आप आगे को खिसक जाएगा, 4 - 3 करना है, 4 - 3 1। अगर आप कहीं पे मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पर रेड कलर का क्रॉस बन के आ जाएगा और बता देगा कि आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, 3 - 2, आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका बच्चा गलत नहीं सीख रहा है, यहाँ तक कि ट्विटर पर भी लोग संदेह करते हैं कि शायद हमारे गलत तो नहीं बता दिया, कभी कभी बाई चांस ह्यूमन में मिस्टेक हो सकती है, इट इज़ चांस, बस ये आपका मशीन सिस्टम है, इसमें चांसेस बहुत ही कम है, जो भी फंक्शन इसमें ऑपरेट कर दिए गए होंगे वही प्ले होंगे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम आपको क्वाइट करते हैं यहाँ से, सब्ट्रैक्शन के ऑप्शन देख लीजिए आप, कौन कौन से ऑप्शन है, मेमोरी मैथ्स, नेक्स्ट है आपका निगेटिव वाला, ये इंटीजर्स ऑप्शन भी है, जो हाई क्लासेस के बच्चे हैं इस आप फंक्शन को फॉर्मेट कर सकते हैं और इससे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर सीख सकते हैं। सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन देने हैं 6 डिजिट वाले, एक बार इनकी भी ट्राई कर लेते हैं, ये रहा आपका 6 डिजिट में क्वेश्चन, बच्चों को बता सकते हैं अगर आपको 2 डिजिट 1 डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये चाहे 6 डिजिट हो, इससे बड़े भी डिजिट वाले क्वेश्चन हों, आपको वही सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बच्चों के दिमाग से डर दूर हो जाए इसके लिए इनको इनकी भी प्रैक्टिस करा देनी चाहिए। सिस्टम वही होगा, 4 - 8 नहीं हो सकता, कैरी करना है, तो 1 कैरी हो गया, 1 के पास बचा 0,
और ये वन आ गया लेफ्ट में, ये आपका 14 हो गया, 1 4 के साथ एडजस्ट कर दिया, 14 - 8 6 हो गया, 0 - 1। देखिए अपने आप बॉक्स आगे बढ़ गया, क्योंकि वहाँ से 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो फर्क करना क्या पड़ेगा आपको, 7 से 4 लेना पड़ेगा, और 7 में बोरो 1 बोरो हो गया तो 6 बचा यहाँ पर, और ये आपका 1 के 0 के साथ एडजस्ट किया जाके 1 और 0। अब आपको करना क्या, 10 में से 1 माइनस करना है, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। नेक्स्ट में आपका बॉक्स नीचे ही आपका रोल कर गया, आप नीचे रोल कर गया इसका मतलब यहाँ पर आपको बोरो नहीं लेना है। 6 - 5 1 3 - 2 1 6 - 5 1 और लास्ट आपका 1 बचा। तो इस तरह से आपके बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ एक बार डाटा जो भी खर्च होगा 15 से 16 MB डाउनलोड हो जाएगा आपके यहाँ गेम, और बच्चे गेम की तरह से खेलेंगे। सबसे बढ़िया क्या है कि बच्चों की प्रैक्टिस करने का पूरा ही अवसर मिलेगा बच्चों को। तो इस वीडियो को तो देखें ध्यान से, लेकिन देखने के बाद अपने बच्चों के लिए इसको डाउनलोड जरूर करिएगा। ऐप को मैं बता चुका हूँ कि बहुत ही काम का ऐप है आपके बच्चों के लिए, इसमें आपका कोई भी समय वेस्ट नहीं होगा, और अपने बच्चों के भाग्य को आप खुद बनाएंगे, ना कि किसी और पर डिपेंड करेंगे, ना ही कंप्लेंट करेंगे कि हमें ये समस्या है। ये चीज़ आपको खुद सोचनी है किस तरह से क्या करना है, एडजस्ट करना है। ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।